तो दोस्तों फाइनली हमने यहाँ पर फायर इंजन को ले लिया है, जो कि आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SB गेमिंग में। और दोस्तों आज हम फिर से खेलने वाले हैं इंडियन बाइक ड्राइविंग 3। और दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने गेम के अंदर फायर इंजन को कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि हमारे चैनल में आपको ऐसे गेम प्ले वीडियो देखने को मिल जाएगी। और कैसे, अगर आपने हमें अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फटाफट से जाओ इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी लोग यहाँ पर मुझसे कमेंट करते हैं कि भाई हमारे गेम के अंदर फायर इंजन कब आएगा, क्योंकि भाई आप सबको तो पता ही है कि काफ़ी लोग यहाँ पर वीडियो बना दिया है कि फायर इंजन हमारे गेम के अंदर आ चुका है। तो फाइनली हम इसी वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे कि फायर इंजन आ चुका है या फिर नहीं, अगर आ गया है तो उसका चीट कोड क्या है, और अगर नहीं आया है तो कब आएगा। तो गाइस उन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, अगर स्किप कर दोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो गाइस यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि काफी लोग यहाँ पर फायर इंजन को लेकर वीडियो बनाते हैं, लेकिन वो लोग आपको चीट कोड नहीं बताते हैं, वो लोग आपको बताते हैं कि फायर इंजन हमारे गेम के अंदर नहीं आया है। और दोस्तों फायर इंजन हमारे गेम के अंदर कब आएगा वो भी आप लोगों को वो लोग नहीं बताते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। और दोस्तों आप सबको तो पता ही है कि हमारे जो गेमिंग कम्युनिटी है, इंडियन बाइक ड्राइविंग 3 का गेमिंग कम्युनिटी है, उनके अंदर कुछ दिनों पहले बहुत ही बड़ा एक कंट्रोवर्सी हुआ था इस फायर इंजन को लेकर, कि फायर इंजन आ चुका है या फिर नहीं आया है। और कुछ लोग यहाँ पर वीडियो भी बना रहे थे, एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे थे। तो दोस्तों मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि भाई कोई अगर इंडियन बाइक ड्राइविंग 3 के ऊपर वीडियो बना रहा है तो उसकी मर्जी है, वो क्या बनाएगा क्या करेगा ये उसकी मर्जी है, उसके ऊपर हम बोलने वाले कौन होते हैं, ठीक है, थीके? उसका चैनल है, वो कुछ भी पोस्ट करे भाई, हमें उससे क्या, ठीक है। तो दोस्तों अभी मैं सबसे पहले आप लोगों को फायर इंजन दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपने गेम के अंदर फायर इंजन कैसे ले सकते हो। तो गाइस चलिए फटाफट से आप लोगों को दिखाते हैं कि फायर इंजन हमारे गेम के अंदर आ चुका है या फिर नहीं। तो दोस्तों फाइनली मैंने यहाँ पर फायर इंजन को ले लिया है, जो कि आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और इसका कलर जो है रेड कलर में होने वाला है, रेड और व्हाइट कलर में होने वाला है, और इससे आप लोग किसी भी जगह लगे आग को बुझा सकते हो, ठीक है। और ये दिखने में भी काफी अच्छा लगता है, जो कि आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी बात करते हैं कि आप लोग अपने गेम के अंदर फायर इंजन को कैसे ले सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे गेम के अंदर अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है जिससे हम लोग फायर इंजन को ले सके, या फिर फायर इंजन का कोई चीट कोड भी हमारे गेम के अंदर देखने को नहीं मिलता। तो गाइस भाई बात करते हैं कि आप लोग अपने गेम के अंदर फायर इंजन को कैसे ले सकते हो। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग अपने गेम के अंदर फायर इंजन चाहते हो तो आप लोग मेरे वीडियो के नीचे बहुत सारा कमेंट करो। अगर आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट करते हो तो मैं वो कमेंट रोहित गेमिंग स्टूडियो को भेजूंगा, और मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जितना जल्दी हो सके हमारे गेम के अंदर फायर इंजन को ऐड कर दे। और गाइस ये वीडियो मैंने आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए बना है, तो बिल्कुल भी हेट मत फैलाइएगा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना एक लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।